आज दोपहर में जुमे की नमाज के समय एक व्यक्ति जब नमाज पढ़ रहा था तब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा अभद्रता की जाती है और जिसके बाद इलाके में जो हंगामा है वो देखने को साफ तौर से मिलता है। जिस जगह ये पूरी घटना हुई हम उसके ठीक सामने यहाँ पर मौजूद हैं और ठीक इसी जगह जो ये घटना है वो होती है और जिस पुलिस वाले की ओर से ये अभद्रता की गई है उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और इसके अलावा विभागीय जो जांच की बात है वो भी आला अधिकारियों की ओर से की गई है। फिलहाल इलाके में बात करें तो इलाके में शांति व्यवस्था बनी हुई है। मस्जिद की ओर से भी यह ऐलान किया गया है कि इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखा जाए, लोगों से यह अपील की गई है। और इसके अलावा जिस तरह से रोड को जाम कर दिया गया था या फिर लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उसको भी फिलहाल यहाँ पर शांति जो देखने को मिल रही है, जो सड़कों पर गाड़ियां हैं वो आराम से चल रही हैं और भारी संख्या में जब पुलिसकर्मी की भी यहाँ पर उस समय तैनाती की गई थी तो अब धीरे धीरे जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ से धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं। लेकिन बड़ा एक्शन जो है वो दिल्ली पुलिस के उस अधिकारी के ऊपर लिया गया है जो नमाज पढ़ते समय व्यक्ति के ऊपर जिसने अभद्रता की थी और जिसके साथ ही जो विभागीय जांच है वो भी उस पुलिस वाले के ऊपर बैठा दी गई है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।